देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं फिजा काजमी। 17 अप्रैल को साल्ट विधानसभा सीट पर उत्तराखंड में उपचुनाव होने हैं, ऐसे में कांग्रेस भी तैयारियों में जुट गई है। कांग्रेस ने साल्ट सीट के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा है कि साल्ट सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट हाईकमान को भेज दी गई है, जिसके बाद उम्मीदवार का नाम घोषित कर दिया जाएगा। आपको बताते चलें कि बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह जीना के निधन के बाद से नवंबर महीने से साल्ट विधानसभा सीट खाली है। अब उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी है। वहीं दूसरी ओर देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच उत्तराखंड में भी सरकार अलर्ट मूड में आ गई है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सभी जिलाधिकारियों से कोरोना संक्रमण की फीडबैक लेने के लिए और साथ ही न्याय पंचायत स्तर पर भी वैक्सीनेशन कराए जाने को कहा है। साथ ही जिलों में कितने लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगी है, इस पर भी जानकारी ली गई है। एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि न्याय पंचायत स्तर तक कोरोना वैक्सीन लगाए जाने की व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एसपीएन 9 न्यूज के साथ।